हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे एफएक्यूज़ हैं और जो कि है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। डेट है 14th of July 2020। इस डेट को आईसीए ने एफएक्यूज़ रिलीज़ कर रखे थे और यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईसीए को मेल कर रखा था, तो वही सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आई एम क्लास 12th और जैसे कि स्टेट बोर्ड हैं या अगर हम बात करें सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स की, तो यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं उन्होंने अपने एग्जाम्स को सस्पेंड कर रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं? तो अगर आपका क्वेश्चन ये है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यस, डेफिनेटली आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। प्रोविजनली आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा और जो डेट है ये है 31st of August 2020 या उससे पहले पहले नवंबर 2020 के एग्जाम में, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 के एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको प्रोविजनली अगर आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं और जो डेट है ये है 31st of August 2020। लेकिन यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि इफ ही हैज़ बीन इधर अलॉटेड द एडमिट कार्ड, तो या तो आपके पास में एडमिट कार्ड हो या तो किसी एक पेपर में आप अपीयर भी हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में केवल एडमिट कार्ड है तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आप वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट सेक्शन है वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड अपलोड करके और यहाँ पे वेबसाइट पे आप प्रोविजनली रजिस्टर हो सकते हैं। नाउ इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन ये भी, अब जैसे कि आप देखेंगे जो स्टेट बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स ने भी अपने पेपर्स को सस्पेंड कर रखा है, तो यहाँ पे भी सेम रिप्लाई है, प्रोविजनली आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और भी क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि आई हैव रिसेंटली पास्ड क्लास 11th एंड हैव टू कम टू क्लास 12th, कैन आई प्रोविजनली रजिस्टर फॉर फाउंडेशन कोर्स? तो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज अगर आप तुरंत ही क्लास 12th में जा चुके हैं तो आपके पास में एडमिट कार्ड अलॉट नहीं हो रखा होगा, तो इसके लिए इसके चलते प्रोविजनली रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने रिसेंटली क्लास 12th में एडमिशन ले रखा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रोविजनली सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो यू विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इफ आई प्रोविजनली रजिस्टर फॉर फाउंडेशन कोर्स एंड आई डू नॉट पास क्लास 12th एग्जामिनेशन, तो क्या आप एलिजिबल हो पाएंगे सीए फाउंडेशन एग्जाम में अपीयर होने के लिए? तो यहाँ पे जो आंसर है, नो, कैंडिडेट नीड टू पास क्लास 12th एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द फाउंडेशन कोर्स टू बी हेल्ड इन नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। तो आपको जो क्लास 12th है ये भी पास जरूरी करना पड़ेगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वांट टू प्रोविजनली रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स वेयर कैन आई डू द सेम, तो यहाँ पे एक लिंक है, वैसे बहुत सारी वीडियोस में बना रखी है तो अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और उस तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो करके आप खुद को सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू आई नीड टू सेंड द फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन द फिजिकल मोड टू द इंस्टीट्यूट ऑफिस, तो यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना नहीं होता है, किसी भी टाइप की कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजनी नहीं पड़ती है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको जो भी चीज़ें करनी है सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस वाइल फाइलिंग द फॉर्म आई हैव अ डाउट काइंडली एडवाइस, तो कोई भी डाउट्स हैं उसके एडवाइस के लिए आप यहाँ पे foundation.registration@isi.in इस वाली मेल पे आप मेल कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ द बोर्ड हैव अनाउंस्ड रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12th, वॉट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आई नीड टू इनक्लोज, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रिप्लाई है, सेल्फ सर्टिफाइड मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, तो क्लास 12th की सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब क्या है कि आपका जो मार्कशीट है उसकी फोटो कॉपी लेकर के और उस पर साइन करके और वो जो सर्टिफिकेट होगा सेल्फ सर्टिफाइड हो जाता है, मतलब अगर आप उस पर साइन कर देते हैं तो हो जाता है सेल्फ सर्टिफाइड, उसी को आपको अपलोड करना है, उसकी पिक लेकर के आपको अपलोड करनी है। इफ अवेलेबल अदरवाइज, अगर अवेलेबल है तो, अदरवाइज आपका जो एडमिट कार्ड है क्लास 12 का अलॉन्ग विथ 10th मार्कशीट, तो आपको जो 12 का एडमिट कार्ड है वो प्लस 10th की जो मार्कशीट है वो भी, जिसमें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये डिटेल्ड उसमें हो, तो डेट ऑफ बर्थ आपको चेक कर लेना है आपकी 10th की मार्कशीट में और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ आपको वेबसाइट पर अपलोड कर देनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सीए कोर्स से रिलेटेड हैं, तो विजडम सीए मेंबरशिप प्लान भी है, तो उसमें चाहे तो आप रजिस्टर ले सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं और आपका रिप्लाई हमारे यहाँ से पहुंच जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो फिलहाल में कंप्लीट वीडियो है दोस्तों, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।